हाँ बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब का एक दूसरा प्रकार है इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे फाइनाइट वर्ब एग्रीमेंट विद द वर्ब्स, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनता है बेटा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है और अर्थ रखता है नानी ने। क्या अर्थ रखता है बेटा, नानी ने। जैसे कहा टू प्ले माने खेलना, टू सी माने देखना, ठीक है। इसके बारे में पढ़ जा रहे हैं। तो पहले तो आप ये जाने कि इन्फिनिटिव माने क्या होता है। शाबाश, बताओ अमित, इन्फिनिटिव माने क्या होता है? नहीं मालूम, तो तुम्हारी गलती थोड़े, उन अध्यापकों गलती है जिन्होंने आज तक आपको पढ़ाया। इनफिनिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनफिनिटिव, यह पहले जानना चाहिए। कोई भी चीज पढ़ो तो पहले यह जानो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नहीं, अपनी भाषा में जब तक नहीं जानोगे तब तक उस ज्ञान का क्या महत्व है, क्या कर रहे हो यही नहीं पता, जानना चाहिए ना। गुड, आप सबको मालूम है लेकिन आप बता नहीं रहे हो क्या होता है। मैथ में एक शब्द पढ़ा होगा बेटा, इनफाइनाइट पढ़ा है ना। इनफाइनाइट माने हाँ अनंत। अनंत माने क्या होता है बेटा, अनंत क्या है, अनंत को अनंत क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि जिसका कोई अंत ना हो, मतलब स्वतंत्र हो। तो इनफाइनाइट माने क्या होता है, अनंत। अनंत क्या है, अनंत पर किसका नियंत्रण, किसी माई के बच्चे का कंट्रोल है नहीं, अनंत क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो अब लड़के ने कहा गुरुजी हम कैसे जानेंगे कि अच्छा किसी भी शब्द का जो मूल अर्थ है वह केवल एक होता है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट माने स्वतंत्र, अनंत बराबर स्वतंत्र, तो इन्फिनिटिव भी उसी से बना हुआ, यह स्वतंत्र होती है। क्या होती है, वर्ब तो है लेकिन क्या होती है, स्वतंत्र होती है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी ये स्वतंत्र क्या कर रहे हो, इसको समझाओ। दो वाक्य लेते हैं, जैसे कहा ही गोज टू सी द ताज, अब दे गो टू सी द ताज, बताइए बेटा ये गोज वर्ब है, घोड़ा है, कहती है वर्ब है ना, यह सी भी तो वर्ब है, यह गो है वर्ब है, तो यह सी भी तो वर्ब है। गुड, आप देखो इधर, यह वर्ब है, वर्ब को, इस वर्ब को कर्ता ने नियंत्रित किया, क्या हो गया, गोज। इतना तो आपको मालूम है कर्ता क्रिया को करती है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब को एग्जीक्यूट करता है, कर्ता क्रिया को करती है, तो यानी कर्ता क्रिया पर क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो यह कर्ता है क्रिया को कंट्रोल किया, गोज रहा। इस क्रिया को इस कर्ता ने कंट्रोल किया, क्या हो गया, गो। यह भी वर्ब है लेकिन इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा, देखो यहां भी टूसी है और यहां भी टूसी है, इस पर कर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहा, इसको तो कर्ता ने, इस गो को कर्ता ने नियंत्रित किया, क्या हो गया, गोज। इस क्रिया को कर्ता ने नियंत्रित किया, क्या रहा, गो, लेकिन इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, यानी कि इन्फिनिटिव क्या होती है, स्वतंत्र होती है। क्लियर, इन्फिनिटिव माने क्या हुआ, जो चीज स्वतंत्र है दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। इनफाइनाइट शब्द से बना है, इनफाइनाइट माने अनंत, अनंत क्या है, स्वतंत्र है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव भी क्या है, स्वतंत्र है। और इतना ध्यान रखना बेटा, इस संसार में जितनी चीजें स्वतंत्र होती हैं उसे संज्ञा कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, यानी अब यह किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, इतना तो आपको बताया गया होगा। इन्फिनिटिव किसका काम करती है, नाउन का काम करती है, संज्ञा का काम करती है।
तो अब लड़के ने प्रश्न किया कि गुरुजी संज्ञा तो 5 प्रकार की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो उन 5 में से कौन सी संज्ञा है ये समझाइए। पूछेगा ना, जब किसी चीज को पढ़ो तो गहराई तक समझो। यह इन्फिनिटिव है जो काम करती है किसका, नाउन का। तो नाउन 5 प्रकार का होता है, उन 5 नाउन में यह कौन सा नाउन है यह समझाइए। जानना चाहोगे? हाँ, क्या नाम बताओ? आमित। संसार में बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़के का नाम अमित है, बताइए कौन सा नाउन हुआ? गुड, प्रॉपर नाउन हुआ बेटा। तो संसार में बहुत सारे कार्य हैं, है? एक कार्य का नाम है टूसी, एक कार्य का नाम है टूसी, बताइए कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। यानी कि यह इन्फिनिटिव जो है प्रॉपर नाउन की तरह काम करती है, किसका तरह बेटा? जिस प्रकार से प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होता है उसी प्रकार से हम इन्फिनिटिव का भी इस्तेमाल करते हैं। इतना समझ आ गया? गुड। अब लड़की ने प्रश्न किया कि गुरुजी इन्फिनिटिव के प्रकार भी हैं क्या? हाँ बेटा, इन्फिनिटिव 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी उसको जानो बेटा, पाठक स्टाइल में बहुत सरल है बेटा। इन्फिनिटिव 3 प्रकार की होती है, जैसे कहा सिंपल इन्फिनिटिव, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव और परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव बनती है 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनती है 2 बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनती है 2 हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लड़का जो तेज होगा वह खड़ा होगा ना। हाँ रवि, क्या प्रश्न उठ रहा है? प्रश्न उठ रहा ना गुरुजी, अभी आप बता रहे थे कि इन्फिनिटिव बनता है 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो ये थर्ड फॉर्म वगैरह कैसे निकल गए? प्रश्न हुआ ना, यह प्रश्न है कि इन्फिनिटिव 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनता है तो ये थर्ड फॉर्म वगैरह क्या बताने लगे? नहीं बेटा, इधर देखो, जो चीज यहां लिखी है वही यहां तीनों में है, कैसे सिद्ध करो? ये देखो हमारी तरफ, ये 2 आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखा ना ऊपर, और 2 आगे बी कौन सी फॉर्म है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है। 2 आगे हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। यानी 2 वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तीनों यही हुआ। तो गुरुजी ये जो वर्ग की थर्ड फॉर्म लगाया हो यह क्या चीज है? जब आपको टेंस बताया होगा तो वहां बताया होगा वर्ग की जो थर्ड फॉर्म है इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम है? पास्ट। और यह पूरे अंग्रेजी ग्रामर में विशेषण का काम करती है। किसका काम करती है? पूरे अंग्रेजी ग्रामर में किसका काम करती है? विशेषण का। तो अभी 1 सेकंड पहले आपको सिखाया कि यह इन्फिनिटिव जो है संज्ञा का काम करती है। किसका काम करती है? यह संज्ञा हो गई और यह उसकी विशेषता बता रही है। यह संज्ञा हो गई और यह उसकी क्या बता रहा? विशेषता बता रहा। इसका मतलब जैसे बॉय, गुड बॉय, तो मूल शब्द क्या है? बॉय, बॉय और गुड बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। उसी ढंग से यह नाउन है और यह उसकी क्या है? विशेषता है। अब लड़के ने फिर प्रश्न किया कि गुरु जी जो चीज यहां लिखी है वही यहां तीनों में लिखी है, तो यह 3 बताने की क्या जरूरत है? यह समझाइए। एक ऐसा काम चल जाता है? नहीं बताने की जरूरत है, इसलिए लिखा है। देखो बेटा, अब नंबर 1 सिंपल इन्फिनिटिव वर्ब, आगे आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। लिखो बेटा, जिस वाक्य में
कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके उन वाक्यों में प्रायः सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके उन वाक्यों में प्रायः सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लिया? देखो ऐसे लिखा, मोहन वॉक्ड फास्ट टू कैच द ट्रेन। ये बात लिखा। अब बताइए, मोहन तेज दौड़ा तो गाड़ी कौन पकड़ेगा? मोहन पकड़ेंगे, पाठक पकड़ेगा? बोलो, मोहन तेज दौड़ा तो गाड़ी कौन पकड़ेगा? बोलो बोलो, मोहन ही पकड़ेगा। इसका मतलब इस वाक्य में यह कर्ता इस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद करेगा, इसलिए यहां पर सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग क्या है? सही। जैसे कहा होगा, हेमा वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। दिमाग लगाना बड़ा। हेमा कठिन परिश्रम करती है, ठीक है? तो बताइए, नंबर हेमा को अच्छा मिलेगा पाठक को? बोलो, कठिन परिश्रम हेमा करेगी तो नंबर पाठक को अच्छा मिलेगा? किसको मिलेगा? हेमा को। यानी कर्ता उस कार्य को खुद करेगा। यही सिखा बेटा कि जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके उन वाक्यों में प्राय सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लिया? मिटा दें। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, जिन वाक्यों में कर्ता, दूसरा पॉइंट बोला पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके, खुद न कर सके उन वाक्यों में प्राय, उन वाक्यों में प्राय पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके उन वाक्यों में प्राय पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे घबरा, He has a daughter to marry। अब बताइए, he has a daughter, उसके पास एक पुत्री है, तो उसके पास पुत्री है तो ही कौन हुआ? बाप हुआ। तो बाप अपनी बिटिया से खुद शादी करेगा क्या? अगर ऐसा करता है तो वाक्य आपका क्या है? सही है। लेकिन समाज इसको अलाउ नहीं करता, इसका मतलब वाक्य आपका क्या है? गलत। कर्ता इस शादी वाले कार्य को खुद नहीं कर सकता, अपनी बिटिया शादी करेगा क्या? तब इसी स्थिति में आपका वाक्य गलत है, सही करना होता। क्या करोगे? टू बी लग करके वर्ग की थर्ड पार्ट, टू बी मैरिड।
क्या बनेगा बेटा? ही हैज ए डॉटर टू बी मैरिड, ये सही होगा। नहीं सुन रहे? से कहा बेटा? ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिम, उसने अपने लड़के को अमेरिका भेजा। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, तो बताइए ही शिक्षित होगा कि उसका लड़का शिक्षित होगा? बोलो, ही शिक्षित होगा? नहीं बेटा, इसका मतलब यह वाक्य आपका क्या है, गलत है। यहां पर क्या करोगे? टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी एजुकेटेड, अब वाक्य आपका सही हुआ। नहीं समझे? तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड हिम, पक्का कर लोगे? मिटा दें? तो ध्यान रहे, प्रायः हमने लैंग्वेज दिया, सदैव नहीं, प्रायः जो है टू बी लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट देखो, जिन वाक्यों में तीसरा पॉइंट देखो, परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, जिन वाक्यों में कर्ता नहीं, दूसरी साइड हो गई, गलत हो गया। फिर से बेटा, घटना पुरानी हो लेकिन उसे वर्तमान की ओर, वर्तमान टेंस नहीं का, वर्तमान की ओर खींच कर बोला जाए, उन वाक्यों में प्राय परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। घटना पुरानी हो लेकिन उसे वर्तमान की ओर खींच कर बोला जाए, उन वाक्यों में प्राय परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे कोलंबस का नाम सुना? उन्होंने अमेरिका की खोज की, तो कोलंबस ने अमेरिका खोज आज की क्या? घटना पुरानी है। अब कोलंबस के बारे में कोई वाक्य बनाओगे तो बताइए प्रेजेंट बनेगा पास्ट में? पास्ट में ना, लेकिन देखो हम प्रेजेंट बनाने जा रहे हैं। स्टाइल नंबर थ्री, जैसे कहा बेटा, कोलंबस इज कॉल्ड, बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस हो गया, इज अगेन ना, कोलंबस कहे जाते हैं टू डिस्कवर अमेरिका। अगर कोलंबस ने अमेरिका की खोज आज की तो वाक्य आपका सही है। आज किया क्या? घटना पुरानी है लेकिन खींच रहे हो किधर की ओर? वर्तमान की ओर। ऐसी स्थिति में घटना को वर्तमान की ओर ले रहे हो, ऐसी स्थिति में टू डिस्कवर का प्रयोग क्या है? गलत है। टू परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव लगेगा, क्या बनेगा? टू हैव डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस इज कॉल्ड टू हैव डिस्कवर्ड अमेरिका। समझे? इधर इन महोदय ने कल पाठक को गाली दी थी, आज ये पाठक से मिले और ये स्वीकार कर रहे हैं कि हां सर जी, कल मैंने आपको गाली दी थी। सेंटेंस क्या बनोगे? ही एडमिटेड, ही एडमिटेड टू एब्यूज मी स्टडे, दिस इज रॉन्ग। घटना कल की है स्टडे की और स्वीकार आज कर रहे हैं, उसने स्वीकार किया, तो ऐसी स्थिति में टू एब्यूज नहीं होगा, क्या होगा? टू हैव एब्यूज्ड, टू हैव एब्यूज्ड। तो घटना पुरानी हो लेकिन उसे वर्तमान की ओर खींचकर बोला जाए, उन वाक्यों में प्राय परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो बेटा, इतना तो हमने आपको बताया, इसको आप समझें और पक्का समझाया होगा। लाइक करें, शेयर करें और घंटी दबा, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।
जिससे आपको तुरंत जो है अगला एपिसोड मिल जाए। अगले में हम आपको आगे और बताएंगे।